और चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका से लाइव टेलीकास्ट देखा था जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी उसका। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वहीं से दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। ये पल जय घोष का है, ये क्षण 140 करोड़ भारतीयों के लिए खास है, क्योंकि जो कोई नहीं कर पाया वो हिंदुस्तान ने कर दिखाया। चंद्रयान 3 ने चांद पर भारत का परचम लहराया, जिसके गवाह खुद प्रधानमंत्री मोदी बने। दक्षिण अफ्रीका से पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग लाइव देखी, और जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की, पीएम मोदी का चेहरा खुशी से खिल उठा। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। चांद पर पहुंचने का सपना साकार हो चुका है। नया भारत नई उड़ान भर रहा है, अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, और इसके साक्षी प्रधानमंत्री मोदी भी बने। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हैं, लेकिन उनका दिल चंद्रयान 3 के साथ जुड़ा रहा। वो इसरो के वैज्ञानिकों से पल पल की अपडेट लेते रहे। मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। पूरा देश जश्न मना रहा है, उमंग और उल्लास से चंद्रयान 3 की सफलता की खुशियां मना रहा है, क्योंकि चंदा मामा दूर की बात नहीं रही, अब भारत ने चांद को चूम लिया है। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं।